देखिए एक बार फिर अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के निशाने पर आ गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के मामले में सेबी चीफ माधवी पुरी बूच की निष्पक्षता पर ही अब सवाल उठा दिए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि माधवी पुरी बूच और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन है, ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है। बूच दंपति के पास अडानी ग्रुप की ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है, ये आरोप लगाया गया है और इसीलिए ही 18 महीनों से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि इसके सबूत भी हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च ने दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासा किया है। आरोप है कि सेबी चीफ माधवी पुरी बूच ने अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो देखिए एक बड़ा आरोप किया गया है, अब सीधा माधवी पुरी बूच और उनके पति पर यह आरोप लगाया गया है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार, साथ ही देखिए दिल्ली से तरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फोन लाइन पर मौजूद हैं सेबी के पूर्व निगरानी प्रमुख दीपक सचेती। सबसे पहले ब्रजेश सर, आपके पास आते हुए मैं जानना चाहूंगी कि एक बड़ा आरोप लगा गया है, अडानी देखा जाए तो हिंडनबर्ग के निशाने पर था ही, लेकिन अब ये निशाना जो हम देख रहे हैं माधवीपुरी बूच और उनके पति पर भी जा टिका है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला क्या है, पहले तो विस्तार से समझाएं। बिल्कुल, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है मोटे तौर पर कि जो सेबी प्रमुख हैं माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच, इन दोनों लोगों ने 2015 में एक फंड में एक ऐसे फंड में निवेश किया था जिस फंड का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था और एक जो शेयर है अडानी ग्रुप के चढ़ाने के लिए उनको उनकी होल्डिंग जिन फंड में थी उसी फंड का इस्तेमाल जो है माधवी पुरी बुच और उनके पति की तरफ से किया गया। और ये भी आरोप लगाया गया कि ये चूंकि पहले से ही जुड़े हैं एक दूसरे से और इसी वजह से जो है सेबी की तरफ से जो है अडानी ग्रुप के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो उसकी गति जो है बहुत धीमी रही और पर्याप्त कार्रवाई जो ऑफशोर फंड है जिन्होंने अडानी ग्रुप में पैसे लगाए थे उनके खिलाफ नहीं हुई। तो ये आरोप जो है गंभीरता पूर्वक लगाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो ब्लैकस्टोन नाम की दुनिया का एक बहुत बड़ा फंड है उसके एडवाइजर माधवीपुरी बुच के पति हैं और उनके उनके शायद होने की वजह से ही उस ब्लैकस्टोन में रीट जैसे प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बार-बार सेबी की तरफ से कोशिश की गई। जी बिल्कुल, तो देखिए कई आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी तरुण शर्मा भी जुड़े हुए हैं। तरुण, आपके पास आते हुए मैं जानना चाहूंगी, देखिए कई और आरोप भी हैं, जैसे कि ये कहा गया था कि माधवीपुरी बूच की तरफ से प्रमोट किया गया था, ब्लैकस्टोन का जो जिक्र इसमें किया गया है, इसके अलावा सिंगापुर की एक कंपनी से जुड़ा भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, ये आरोप क्या है ये जरा आप बताएं। तरुण, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है ब्रजेश जी, आप ही से अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी। ये जो सवाल मैंने तरुण जी से पूछा है, ये सवाल मैं आपके पास लाते हुए आप हमें बताएं कि सिंगापुर से जुड़ी कंपनी से जुड़ा भी आरोप लगाया गया है, ये भी जरा समझाएं। भावना, बिल्कुल ये वही बात है कि जो बात कही जा रही है कि अडानी ग्रुप का एक फंड था ग्लोबल अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट फंड, वो फंड जो है पहले बरमूडा में था और उसी ने एक फंड मॉरिशस में खोला IPE Fund 1 और इसी फंड में ही जो है माधवी पुरी बुच और उनके पति का भी हिस्सा था और इसी फंड का इस्तेमाल जो है अडानी ग्रुप के शेयर खरीदने के लिए और उसके भाव को बढ़ाकर रखने के लिए किया गया था। और ये फंड जो है सिंगापुर में खोला गया था जून 2015 इंडिया इंफोलाइन के जरिए ये फंड खोला गया था। तो मोटे तौर पर यही आरोप है कि अडानी ग्रुप के शेयरों को चढ़ाने के लिए जिस फंड का ऑफशोर फंड का विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया उसी फंड में माधवीपुरी बूच और उनके पति का भी हिस्सा था। और दूसरा जो आरोप है अहम वो ये है कि उनके पति चूंकि ब्लैकस्टोन में एडवाइजर थे और ब्लैकस्टोन ने जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाम का जो प्रोडक्ट है रीट
जो है उसको उसमें उसका अहम दखल था भारतीय बाजार में, और वो प्रमोट कर रहा था फंड ब्लैकस्टोन, और इसी वजह से शायद बार बार माधवी परिभुज रीट नाम के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात कर रही थी और उससे जुड़े रेगुलेशन को भी काफी आसान करने की और सरल बनाने की कोशिश की थी, ये आरोप जो है हिंडनबर्ग की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए कई आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप क्या क्या है ब्रजेश जी आपने हमें विस्तार से समझाए। अब हमारे साथ सेबी के पूर्व निगरानी प्रमुख दीपक सचेत जी भी है, संचेती जी भी है। ब्रजेश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप सवाल उनसे पूछे आगे। संचेती जी नमस्कार, सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि ये जो रिपोर्ट है इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? This particular thing which Hindenburg has come out yesterday has to be seen in this perspective that they were issued show cause notice very recently by SEBI. That is, I think, the first thing which we should bear in mind. Second thing is that this, to me, appears to be, you know, some arbitrary and scattered facts which have been stitched together to try and create a picture which seems has no bearing on the investigation in question. Thirdly, we also need to bear this in mind that this whole Adani investigation has been conducted under the monitoring of the Supreme Court committee. So if you are saying that SEBI has not done the proper job and the Supreme Court is saying that you have done, SEBI has done a proper job, then you are in a way casting aspersions on the Supreme Court also, which I believe is something which is not fair totally and completely. So I believe, you know, this whole thing, the Adani Hindenburg saga, in my opinion, the investigations have been conducted by SEBI very fairly under the constraints of the fact that all the informations have to flow from international jurisdictions, which slows down the process, obviously. I mean, it is not as if you just press a button and you will get the information. The international information about the transactions which are not in Indian jurisdiction are obtained under IOSCO MOVs, and you have to satisfy the international regulators to obtain that kind of information, and that job is not that easy. Secondly, wherever, you know, SEBI has conducted more than 25, I think between 25 and 30 investigations in this whole matter. And wherever irregularities have been found by them, they have already initiated action. And in my opinion, some investigations are still on, you know, ongoing as per the last affidavit which has been filed in the Supreme Court. So I have this feeling that this thing which Hindenburg has come out yesterday has got no bearing at all. Money issue. They are, you know, kind of, it appears to be something which is retaliatory because so-called notice has been issued. And it seems a little out of context also. More amusing is तो आप ये कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं वो इसलिए लगाए गए हैं संभवतः कि सेबी ने जो कार्रवाई की है उसको उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए लगाए गए? I would say so. मुझे ऐसा ही लगता है और मुझे ये तो बिल्कुल लगता है कि जो कहा जा रहा है, जो कल कहा गया है, उसका अदानी इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके से। यू हैव टू सी द यू नो टोटल पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की हम बात कर रहे हैं और उसमें एक इंडिविजुअल के कुछ फाइनेंशियल अफेयर्स को आप निकाल के बता रहे हैं दैट यू नो द प्रोब हैज नॉट बीन कंडक्टेड प्रॉपरली। आई थिंक इट अपीयर्स क्लियरली फार फेच्ड एंड अ लिटिल डेस्परेट। तो अदानी इन्वेस्टिगेशन से तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि चीज का कतई कोई लेना देना है। और भी ज्यादा अम्यूजिंग है ये कहना कि रीट की जो पॉलिसीज हैं दीज आर बीइंग डिजाइंड और दीज आर बीइंग यू नो प्रमोटेड ओनली बिकॉज ब्लैकस्टोन वांट्स टू इन्वेस्ट और ब्लैकस्टोन वांट्स टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। रीट के ऊपर सेबी एक डिकेड से भी ज्यादा से काम कर रही है और बहुत सारे डेवलपमेंट इसमें हुए हैं लास्ट 10 साल में। दिस अगेन इज यू नो आर क्लियर इंडिकेशन कि आप कुछ एक नेगेटिव कनोटेशन किसी भी तरीके से लाके दिखाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों का तो किसी भी तरीके से अदानी इन्वेस्टिगेशन या रीट रिलेटेड पॉलिसी से किसी भी तरह का कोई लेना देना हो।
बिल्कुल संचित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विशाल तिवारी, एडवोकेट जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले में याचिका दायर की थी। विशाल जी, आपने अगर रिपोर्ट पढ़ी है या जो खबरें पढ़ी हैं इससे जुड़ी, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल विशाल जी से फिर एक बार हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वित्त मंत्रालय की तरफ से या सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया गया है? नहीं, देखिए ये रिपोर्ट कल रात को ही आई है और उस रिपोर्ट के आने के बाद से जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं वित्त मंत्रालय रेगुलर टच में है सेबी के। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई एक फॉर्मल जवाब या प्रतिक्रिया आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो सेबी के ऑफिसर्स या कहें कि सेबी चेयरपर्सन के रेगुलर टच में है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से सेबी चेयर पर्सन ने कहा कि हम ये मेरा पहला रिएक्शन है और उसके बाद मैं और ड्यू कोर्स में और जो रिएक्शंस हैं वो मैं दूंगी, तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो वित्त मंत्रालय है या जो सरकार है वो इस पूरे मामले को देख रही है। और किसी, क्योंकि यदि हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो ये पहला इंस्टेंस है कि किसी रेगुलेटर पे इस तरीके के सवाल उठे हैं, तो लिहाजा सरकार हर स्टेप जो है वो फूक फूक के उठा रही है, लेकिन वित्त मंत्रालय पूरे मामले की पर नजर बनाए हुए हैं। भावना, मैं एक सवाल दीपक संचेती सर से पूछना चाहूंगा। दीपक संचेती सर, आपने सेबी में काम किया है, सेबी में आप काफी लंबे समय से रहे हैं। सर, जब सेबी चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट होता है तो क्या इस तरीके के पूरे डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, या जो एक सवाल ये उठता है कि उन्होंने डिस्क्लोज तो कर दिया था लेकिन जो फंड था उन्होंने नुकसान में बेचा, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में क्या ये जब सामने आया तो उनको अपने आप को अलग नहीं कर लेना चाहिए था, या उन्होंने हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस चीज़ को बंद लिफाफे में बताया भी हो? पहली बात तो ये है कि आपके अगर कुछ पर्सनल फाइनेंशियल अफेयर्स हैं और उनकी अदरवाइज कोई बेयरिंग किसी भी तरीके से आपके जो अभी काम है उससे नहीं है, तो आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ डिस्क्लोजर इज मैंडेटेड एट ऑल, नंबर वन। नंबर टू, आई एम श्योर जो रिक्रूटमेंट का या जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत डिटेल्ड और बहुत ही कहना चाहिए इंट्रिकेट एक प्रोसेस है, जिसमें देश की सारी एजेंसी से इनपुट लिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो शेड दी जा रही है इन चीज़ों को, जो डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है वो सही है। मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें पहले से सरकार में, आई एम 100% श्योर कि ये सब चीज़ें या इनकी एक लार्जर पिक्चर पक्का बताई जाती है या सरकार को पता ही होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो जब अपॉइंटमेंट होता है तो आईबी रॉ सब आपको चेक करते हैं, उसके बाद एसीसी का अप्रूवल जिसे हम अपॉइंटमेंट और कैबिनेट कमेटी कहते हैं, उसके बाद ही अप्रूवल आता है। लेकिन सर, अब आपको आगे क्या लगता है, क्योंकि रेगुलेटर पे सवाल है, एक सेंटिमेंट्स आपको लगते हैं कि यहाँ पे बाजार के सेंटिमेंट्स को बनाए रखने के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सेबी अब क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे दो दो चीजें लग रही है तरुण। नंबर एक तो ये है कि प्रोबेबली दिस में नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन द मार्केट ऑन मंडे। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ एक ऐसी चीज है जिसका मार्केट पे बहुत ज्यादा कोई असर होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि नोइंग द प्लेयर्स इन्वॉल्व इन दिस होल सागा, मेरा गट फील है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, सो वी मे सी सम मोर डेवलपमेंट, फ्रॉम विच साइड वी डोंट नो, बट देखिए, देखते रहिए, इंटरेस्टिंग स्पेस है, डेवलपमेंट्स तो इसमें और होंगे ऐसा मुझे लगता है।
तरुण जी बिल्कुल ब्रजेश सर हमारे साथ केडिया जी भी जुड़ चुके हैं, ओवर टू यू ब्रजेश सर। सुशील केडिया जी मार्केट के वेटरन हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केडिया जी, मार्केट को आपकी समझ में इसे किस तरह देखना चाहिए और क्या आपको लगता है कि इसका कोई फॉलोआउट होगा कल? देखिए, मेरा निजी विश्लेषण कल की हिंडनबर्ग की हरकत पर ऐसा है, करीब करीब देखो इसको लेमेंस लैंग्वेज में आप समझो, हिंडनबर्ग जिसको जज ने यानी रेगुलेटर ने सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्क्रेडिट कर दिया इस आरोप पर कि अडानी एक IIFL नाम के रेस्टोरेंट में जाके पेप्सी पी रहे थे और वो पेप्सी पीना गलत था। अब वो 1.5 साल बाद लौट के आके कहते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में जाके अडानी पेप्सी पी रहे थे उस फंड में जाके सेबी चेयरमैन और उनके हस्बैंड भी पेप्सी पी रहे थे। किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी निवेश करने का अधिकार है। और ये जो आपके यहाँ पे कुछ देर पहले विश्लेषण हो रहा था कि इस तरह के संवेदनशील पद पर नियुक्ति के पहले बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चेक होती है, तो सेम फंड में से कोई ने भी इन्वेस्ट अगर किया है तो वहां पर सेबी चेयरमैन का मेंस रिया कहाँ आता है, कहाँ घुस का आरोप आता है? वो तो आरोप ही नहीं है, वो सनसनी फैला रहे हैं मात्र ये कह के कि जिस फंड से अडानी ने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को रूट किया था सेबी चेयरमैन के भी 7 साल पहले इन्वेस्टमेंट से। तो ये सब मनगढ़ंत गैर जिम्मेदार बर्ताव है इनका और भारत की जनता को एक संडे काफी है। बहुत सक्रिय है देश की पत्रकारिता, मुझे नहीं लगता कि कल सवेरे किसी को ढेला फर्क पड़ेगा और हिंडनबर्ग ने अपना जम के मजाक उड़वा लिया इस बात पे। हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में सभी प्रमुख के अलावा अडानी ग्रुप का नाम फिर से लिया है, तो क्या वहां पर किसी तरह का कोई सेंटिमेंट उस ग्रुप के शेयरों को लेकर आप आशंका रखते हैं कि कल कुछ होगा? नहीं, देखिए अडानी के विषय पर हिंडनबर्ग ने जो भी आक्षेप किया था वो कम्प्लीटली डिस्क्रेडिट हो चुका है और कल जो इन्होंने आक्षेप किया है उसमें तो कोई भी अडानी के बारे में न तो कोई नई बात बोली है न कोई आरोप उन पर लगाया है। वो पुरानी डिस्क्रेडिटेड उनके क्लेम्स के अंदर में से कुछ पोर्शंस उन्होंने वापस से रिपीट कर दिए और नई बात इतनी की है 2017 में ऑल टाइम डायरेक्टर नियुक्त होने के पहले माधवी पुरी बुच के पति ने IIFL को स्पष्ट लिखा था कि अब जो हमारी यहाँ होल्डिंग्स है उसमें ज्वाइंट सिग्नेटरी नहीं रहेंगे हम, सिर्फ ये मेरे व्यक्तिगत निवेश रहेंगे, मेरी पत्नी का कोई सिग्नेचर इस पर नहीं चलेगा, वो भी दस्तावेज घूम रहे हैं। तो कोई भी अडानी पर न तो नया आरोप है न कोई आरोप है। आरोप है कि सेबी चेयरमैन ने भी उस फंड में से पैसा इन्वेस्ट किया, न तो ये भी स्पष्ट आरोप है कि उस फंड के थ्रू से उन्होंने सिर्फ अडानी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। उस फंड के पास बहुत सारी स्कीम्स हो सकती है, कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट किया, क्या किया? तो ये बिल्कुल बदमाशी वाली बात है। और इस रफ्तार से जो भारत देश के अंदर में निवेशकों की संख्या बढ़ रही है, बड़ी संख्या में मासूम लोग हैं और इस तरह से एक हड़कंप सा फैला के मासूम लोगों के गाल पे थप्पड़ मारकर उनकी पोजीशंस को छीनना, उनके शेयर्स को छीनना, इस पर बिल्कुल PIL बनता है, क्लियर कट मेंस रिया है टू गेन प्राइवेटली आउट ऑफ क्रिएटिंग फेक न्यूज टू मैनिपुलेट मार्केट्स। तो कोई ना कोई वकील मुझे लगता है जरूर अगले 7 दिन के अंदर इस पे वापस सुप्रीम कोर्ट में PIL हो, नहीं होगी तो मैं जाके करूंगा। संचेती जी, जैसा कि केडिया जी कह रहे हैं कि इस तरह की रिपोर्ट निकालना और एक तरह से डिसक्रेडिट करना पूरे सिस्टम को, ये एक PIL का मामला बनता है, क्या वाकई इस तरह की चीजों को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए इस तरह की रिपोर्ट को? The way the things are, I am 100% sure that the matter is going to reach the court and the parliament without fail. So that is why I said, you know, we are surely going to see some more development at the end of maybe Hindenburg regulator or you know the parliament or the honorable court. सचिन जी, सर एक बात और मैं कहूंगा, जो माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की तरफ से जो सफाई आई है उन्होंने उसमें कहा है कि हम
जो भी पिछला है या जो भी कोई भी अथॉरिटी मांगेगा हमसे डिस्क्लोजर, हमने लगातार सारा डिस्क्लोजर दिया है और हम आगे भी इस तरह के डिस्क्लोजर देने को तैयार हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि हिंडनबर्ग के खिलाफ सेबी ने शो कॉज नोटिस की कार्यवाही शुरू की थी, इसलिए पूरा ये जो है हिंडनबर्ग ने उनको एक तरह से उनके चरित्र हनन की कोशिश की है। साथ ही ये भी कहा है कि आगे जो भी सफाई की और जरूरत होगी उनकी तरफ से आएगी। तो ये सफाई तो एक पर्सनल कैपेसिटी में कह सकते हैं कि सेबी की प्रमुख होने के सेबी माधवीपुरी बुच होने के नाते आई है, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन भी क्या और सफाई देने की जरूरत लगती है आपको कि सेबी एक अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, एक इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी में भी कुछ और सफाई रखे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज कभी भी होती है या उसकी जरूरत है। आई मीन दे आर द इंडिविजुअल्स आर आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मिसेस बुच एंड हस्बैंड, दे आर गोइंग टू कम आउट विद अ डिटेल्ड स्टेटमेंट आई एम टोल्ड, सो लेट अस वेट फॉर दैट। एंड इफ एनी एक्सप्लेनेशंस आर रिक्वायर्ड बाय सेबी, आई एम श्योर, आई मीन फॉर द लास्ट टू इयर्स ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन and several explanations they have given in their affidavits to the Supreme Court also. So I don't think, you know, at this juncture any additional statement or clarification is required from them. केडिया सर, आपका फाइनल कमेंट क्या होगा इस पूरे एपिसोड पे, और फिर मैं संचिति सर आपका एक फाइनल कमेंट लूंगा। पहले केडिया सर। हिंडनबर्ग पहले डिस्क्रेडिट हो गया था और डिस्क्रेडिट होने के बाद कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस या सब्सटैंशियल एलिगेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग नहीं है। ये सनसनी फैलाने का एक इरेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार प्रयत्न है, ज्यादा से ज्यादा अपने अहंकार की तुष्टि करने के लिए वो अपनी डिफेंस कर सकते हैं, वो इस तरह का कोई डिफेंस होता नहीं है। ये बिल्कुल मैलाफाइड एक्शन है टू रैटल इंडिया स्टॉक मार्केट्स एंड गेन अनड्यूली एट द एक्सपेंस ऑफ आर इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स, कि मार्केट में पैनिक क्रिएट करा दो, लोग इसका मतलब समझेंगे, तब तक हम दो दिन में तीन दिन में बाजार तोड़ लेंगे। ये बिल्कुल गलत काम हुआ है। अगर कोई सेबी चेयरमैन की रॉन्ग डूइंग हो, कोई एक्ट ऑफ ब्राइबरी हो, एक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग हो, सेम फंड के अंदर में कोई का भी पैसा हो सकता है। आप भी कल को किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, पता नहीं 15 मिनट पहले वहां मर्डर हुआ है। अगर अडानी ने कोई रॉन्ग डूइंग की होती तब भी सेबी चेयरमैन का उस फंड से इन्वेस्ट करना 2017 में जब वो ऑल टाइम डायरेक्टर भी नहीं बनी थी गलत नहीं है। तो हिंडनबर्ग ने बहुत गलत इरादे से गलत काम किया है और इस तरह के कामों पे अगर लगाम नहीं पड़ेगी हमारे मार्केट की इंटेग्रिटी पर से लोगों का भरोसा उठने लगेगा। सरकार को भी इस पे बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए और 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 और, और, और जुडिशियरी को भी इस पर एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल संचित सर, आपका फाइनल कमेंट? मेरा फाइनल कमेंट एज आई सेड अर्लियर आल्सो यही है कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मैटर वापस सारे आ गए हैं एंड दिस विल प्रॉम्प्ट लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस सागा टू एक्ट डिफरेंटली, लेकिन एक्शन अभी थोड़ा बहुत आपको और देखने को मिलेगा, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरीके से आरोप लगाए गए हैं और इस पर एक्सपर्ट्स ने अपनी राय भी दी कि ये आरोप निराधार हैं, सही हैं, किस तरीके के आरोप हैं, ये सारी डिटेल दी गई है। एक बार फिर से आपको ये खबर बता देते हैं कि क्या है। देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के मामले में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन है। बुश दंपति के पास अडानी ग्रुप की ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है और इसीलिए ही 18 महीनों से मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है और इस सब की सबूत भी है उनके पास। ये कहना है हिंडनबर्ग ने जो रिसर्च रिपोर्ट जो जारी की है वो दस्तावेजों के आधार पर की है। साथ ही आपको बता दें कि आरोप लगाया गया है कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था।
ये आरोप लगाए गए हैं और इस पर हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े थे और हमारे सहयोगी हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आगे देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके का एक्शन लिया जाता है, इस पर क्या बयान आते हैं, क्या सफाई आती है माधवीपुरी बूच और उनके पति की तरफ से, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। यही पेशकश आगे भी जारी रहेगी। इससे जुड़े सारे डिटेल्स जो हैं लगातार जी बिजनेस पर हम आप सबको देते रहेंगे। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।